काम के सिलसिले से जा रही एक 22 वर्षीय युवती की सोमवार सुबह डोंबिवली और कोपर स्टेशनों के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। पुलिस ने कहना है कि यात्रा कर रही चार्मी प्रसाद का डिब्बे में भीड़ भाड़ होने के कारण संतुलन बिगड़ गया, जिससे वे नीचे गिर गयी। उन्होंने बताया कि इस साल इसी तरह की ये चौथी दुर्घटना है। चार्मी प्रसाद अपनी माँ और दो भाइयों के साथ डोंबिवली में रहती थी। डोंबिवली के जीआरपी अधिकारी ने बताया कि डोंबिवली पूर्व के भोपार गांव की रहने वाली चार्मी प्रसाद सुबह 9 बजे चलती ट्रेन से गिर गई, जिसके बाद उन्हें डोंबिवली के शास्त्री नगर अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने सिर और पीठ में गंभीर चोटों के चलते दम तोड़ दिया। अधिकारी ने बताया कि इस सिलसिले में आकस्मिक मौत की रिपोर्ट दर्ज की गई है। डोंबिवली के एक जीआरपी अधिकारी ने बताया कि इस तरह की घटनाएं इसलिए होती है क्योंकि डिब्बे में भीड़ होने की वजह से यात्री फुटबोर्ड पर यात्रा करते हैं। ट्रेन के स्टेशन से निकलने के बाद भी लोग इसमें चढ़ने की कोशिश करते हैं और इस तरह की घटना को बुलावा देते हैं। चार्मी प्रसाद के भाई मेहुल प्रसाद ने बताया कि वे एक नियमित यात्री थी और रोज की तरह वे ऑफिस जाने के लिए निकली थी। उन्होंने बताया कि वह घाट कोपर में एक निजी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में काम करती थी। मेहुल ने बताया कि डोंबिवली स्टेशन पर पीक आवर्स के दौरान बड़ी भीड़ देखी जाती है।